आज से दो दिनों के वायनाड दौरे पर राहुल और प्रियंका गांधी। राहुल और प्रियंका अपने आवास से वायनाड के लिए रवाना हुए। आज कोझिकोड और मलप्पुरम में स्वागत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राहुल प्रियंका 1 दिसंबर को प्रियंका रोड शो के साथ जनसभा भी करेंगी। संसद में शपथ लेने के बाद प्रियंका का पहला वायनाड दौरा। ओडिशा के भुवनेश्वर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजी सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी देंगे सुरक्षा को लेकर मंत्र। डीजीपी आईजी सम्मेलन में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा। आतंकवाद, नक्सलवाद, तटीय सुरक्षा, साइबर क्राइम सहित ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगाने की रणनीतियों पर चर्चा होगी। अमित शाह और अजीत डोभाल रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि कल 3 दिवसीय सम्मेलन का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया था। महाराष्ट्र के अगले सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी दल की बैठक के बाद महायुति में सीएम को लेकर होगा मंथन। सीएम पद पर मंथन के बीच अपने पैतृक गांव सतारा पहुंचे एकनाथ शिंदे। कल शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर सस्पेंस जल्दी खत्म हो जाएगा। कार्यवाहक सीएम शिंदे अगले 24 घंटे में कोई बड़ा फैसला लेंगे। प्रशासन की मनाई के बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने पर अड़ा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, लाल बिहारी यादव की अगुवाई में डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा। लखनऊ में संभल जाने से रोके जा रहे हैं सपा नेता। और समाजवादी पार्टी नेताओं के घर के बाहर पुलिस बल तैनात। ये संभल हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर। पहले से कुछ सामान्य होने लगे हालात। 5 दिनों बाद इंटरनेट सेवा आज से शुरू कर दी गई है। हिंसा के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कराने का फैसला लिया था। जुमे के नमाज शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होने के बाद संभल में इंटरनेट सेवा शुरू हो गई है। प्रशासन ने किसी भी दल के नेता की एंट्री पर रोक लगाई है। दिल्ली NCR में प्रदूषण की वजह से अभी भी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। CPCB के मुताबिक आज दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 348, वहीं कुछ इलाकों में AQI 400 के ऊपर। आनंद विहार 393, द्वारिका 377, मुंडका 396, रोहिणी में 381 AQI दर्ज किया गया। तमिलनाडु के तट पर आज दस्तक देगा चक्रवाती तूफान फिंगल। साइक्लोन को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग की चेतावनी, 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं वहां पर चलेंगी। चक्रवात फेंगल के आज शाम तक तमिलनाडु तट के पास पुडुचेरी के नजदीक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल के प्रभाव से कई तटीय क्षेत्रों में हाई टाइड भी देखने को मिला है।